पंचानन पांडा बने 116 गांव युवा विस्थापित संगठन के जिला अध्यक्ष। पूर्व प्राचार्य डॉ० जीपी रजवार ने ग्रहण की सदस्यता। सरायकेला खरसावा जिले चांडिल डैम आईबी के 116 गांव युवा विस्थापित संगठन की बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता भोलानाथ रजक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन के मजबूती तथा विस्तार पर विचार मंथन किया गया। बाइट भोलानाथ रजक अध्यक्ष। बैठक में विस्थापितों के हक और आंदोलन की रणनीति तथा रूपरेखा तय की गई। विस्थापितों ने कहा कि सरकार विस्थापितों के मुआवजा भुगतान के प्रति गंभीर नहीं है। बैठक में सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ किया गया। बैठक में पंचानन पांडा को सर्वसम्मति से संगठन का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। सिंहभूम कॉलेज चांडिल के पूर्व प्राचार्य डॉ० जीपी रजवार ने संगठन की सदस्यता ग्रहण किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोलानाथ रजक ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह बाद चांडिल डैम के विस्थापितों की समस्या को लेकर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा तथा उनको ज्ञापन सौंपेगा। बैठक में रसुनिया पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया मंगल मांझी तथा ईचागढ़ के मैसा पंचायत के मुखिया माणिक मांझी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक में सचिव शत्रुजीत सिंहदेव उर्फ घनश्याम सिंहदेव, रतन सिंह मुंडा आदि विस्थापित मौजूद थे। विस्थापित संगठन की ओर से बैठक आईबी स्थित स्थान में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे संगठन का सदस्यता अभियान के तहत हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जीपी रजवार जी सदस्यता ग्रहण किए हैं। साथ ही नवनिर्वाचित महिसाड़ा मुखिया सानिक मांझी, नवनिर्वाचित मुखिया रुसुनिया मंगल मांझी, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष पंचानन पांडे जी को भी हम लोग स्वागत किए। आगे हमारे संगठन महामहिम राज्यपाल से भी एक सप्ताह के भीतर में हमारे विस्थापन और विस्थापन नीति और हक अधिकार के बारे में मुलाकात करेंगे। साथ ही मानसून सत्र विधानसभा में भी हमारे हक वांछित हक अधिकार के लिए ये सरकार की ओर से प्रश्न रखेंगे। ये आज हमारे संगठन के सर्वसम्मति से पास हुआ।